बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि आज राजा सिंह मलून गुस्ताखे रसूल दुश्मन इस्लाम को तेलंगाना की पुलिस ने पीडी एक्ट में बुक कर दिया। अब वो चल्लापल्ली के जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सारे नौजवानों से, आशिके रसूल से, जिन्होंने इस मलूक को सलाखों के पीछे भेजने में अपनी जानो माल की परवाह करे बगैर सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया और ये साबित कर दिया कि एक मुसलमान अपने प्यारे नबी के लिए सर कटा सकता है, हर वो सितम बर्दाश्त कर सकता है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी खतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ नौजवानों, आज जीत हुई इस्लाम की। ऐ नौजवानों, आज जीत हुई तुम्हारे एहतजाज की। ऐ नौजवानों, आज जीत हुई मुसलमानों की। वो खवातीन और हजरात, छोटे बच्चे, हर कोई आज सड़कों पे नजर आ रहे थे क्योंकि एहतजाज कर रहे थे वो मलून राजा सिंह को लेने के। आए मुसलमानों, याद रखो ये एहतजाज कामयाब इसी वजह से हुआ क्योंकि तुम मुतहिद थे, तुम मुनज़्ज़म थे, तुम इतिहाद के डोर में अपने आप को बांध के एहतजाज करे उस मलून राजा सिंह के खिलाफ। आज जीत हमारी हुई, आशिके रसूल की हुई। और याद रखो ये दुनिया, आशिके रसूल वो होता है जो अपने प्यारे नबी के लिए सर कटा सकता है, सड़कों पर उतर सकता है और वक्त आया तो अपनी आल औलाद को भी कुर्बान कर सकता है। आज वो मजमा हमारे को नजर आया, सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे और आज हमारा एहतजाज कामयाब हुआ। मैं पूरे को मुबारकबाद देता हूं कि वो मलून राजा सिंह की जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। ऐ नौजवानों, ऐसी मुतहिद रहो, इतिहाद के डोर में अपने आप को बांध लो और याद रखो आप आशिके रसूल हो। जब बात आती है इस्लाम की, जब बात आती है हमारे प्यारे नबी की, तो याद रखो हर वो चीज कुर्बान करो, ऐसी मुतहिद रहो ताकि दुश्मन इस्लाम को ये खबर मिल जाना चाहिए कि अगर से हम अगर से जुर्रत करेंगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमान सड़कों पे उतर जाएगा, अपनी आवाज को बुलंद कर देगा और अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाएगा। याद रखो ये पैगाम भेजने का है। और मैं फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारे मुसलमानों को कि जो जीत हुई हमारे मुसलमानों की, हक की, इस्लाम की। नारे तकबीर अल्लाह अकबर।